नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुख करते हैं खबरों की ओर। धान खरीदी पर उठ रहे सवालों को लेकर वन एवं विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि धान खरीदी को लेकर सभी किसान 13 नवंबर को केंद्र सरकार से अनुरोध करने जा रहे हैं। मंत्री अकबर ने कहा कि केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी राज्य को अनुरोध करने का अधिकार है। वहीं वायरल हो रहे पत्र पर भी मंत्री अकबर ने कहा कि पत्र में केंद्र सरकार की MSP का जिक्र है। अकबर ने कहा है कि किसी भी स्थिति में सरकार किसानों से 2500 रुपए की दर से ही धान खरीदेगी। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के केंद्र से समन्वय न बनाने के आरोप पर कहा कि सीएम बघेल पीएम मोदी को लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं। ये चिट्ठी समन्वय बनाने के लिए ही है। तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है, सरकार कहीं पीछे नहीं है और अपने वायदे के मुताबिक सरकार धान खरीदने को तैयार है। केवल हमारा आग्रह इतना है कि जो 24 लाख मैट्रिक टन 18-19 में आपने सेंट्रल पूल में FCI में भारतीय खाद्य निगम में जमा करने का अनुमति दिया था, वो हमको अनुमति चाहिए। बात केवल इतनी है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर राज्य